प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की जय। माँ से प्रश्न है, माँ मंत्र और नाम में क्या भेद है? माँ, मन का जो त्राण करता है वह मंत्र है, अथवा मन तोर अर्थात मन तेरा है, यह भाव हो जाने का नाम मंत्र है। प्रश्न, क्या अक्षर और मंत्र में भेद नहीं है? मां, अक्षर ब्रह्म ही है, अक्षर बिना मंत्र कहां? जैसे वृक्ष के छोटे से बीज में अनंत वृक्ष और अनंत बीज निहित रहते हैं, वैसे ही मंत्र में भगवान की अनंत शक्ति निहित रहती है। भगवान का नाम करते करते रूप का प्रकाश होगा। बीज मंत्र जिसको मिल गया है उसको जप करते करते वह क्या है पता लग जाएगा। अलग अलग नाम का अलग अलग रूप होता है, एक में अनंत है और अनंत में एक है। जहां एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वहां एक और दो का सवाल ही नहीं है। यहां अपेक्षा की बात ही नहीं है, जो है वही है। नाम तत्व और बीज तत्व क्या है, साधन करते करते अपने आप स्वयं प्रकाशित होता है। बीज का पता ना होने पर भी उसको जमीन में लगाने पर जब वृक्ष होगा तब फूल फल देखकर सब पता लग जाता है। संप्रदाय क्यों पैदा हुआ, जिसको जिस ढंग से मिला है उसको लेकर साधन करते करते वह स्वरूप प्रकट हो गया। अपने को पाना माने भगवान को पाना, और भगवान को पाना माने अपने को पाना। उस भगवत तत्व को जानने के लिए अपने अपने गुरुदेव ने जैसा रास्ता बताया है वैसा करो। प्रश्न, मां शांति के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन शांति मिलती नहीं, क्या किया जाए? मां, शांति के लिए प्रयत्न करते हैं और शांति मिलती नहीं, यह बात ठीक नहीं है। तुम आग बुझाने के लिए आग जलाते ही रहोगे तो आग बुझेगी कैसे? जिस लाइन में रहकर कोशिश कर रहे हो वहां शांति नहीं आ सकती। दुनिया में सुख दुख हर्ष शोक द्वंद में रहकर शांति ढूंढने से कैसे मिलेगी? दुनिया में शांति माने खाना पीना रुपया पैसा खूब मिले, लेकिन इसमें शांति नहीं है। अगर शांति चाहते हो तो भगवान की शरण लो, भगवान रूपी स्वधन से धनवान बनने की कोशिश करो। कोई शांति चाहे और उसको ना मिले, यह हो नहीं सकता। भगवान को प्रकट करने के लिए रास्ता लोगे तो अवश्य शांति मिलेगी। प्रश्न, यदि ब्रह्म विद्या ही असली विद्या है तो हम लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वह क्या है? मां, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हो वह सारी अविद्या है, उससे नाशवान की प्राप्ति होती है। प्रश्न, तो फिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? मां, जहां हम लोग हैं वहां जरूर पढ़ना पड़ेगा। तुम माता पिता का आदेश पालन करके जैसा कहें वैसा चलो। माता पिता का आदेश पालन करो और सुबह शाम नित्य संध्या पूजन करते रहो तो समझना कि ब्रह्म विद्या के रास्ते की तरफ चल रहे हो। सेवा बुद्धि रखो, इस तरह करते करते ब्रह्म विद्या का रास्ता खुल जाएगा। तुम जो पढ़ते हो वह तो अविद्या ही है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ धर्म ग्रंथ भी पढ़ो, इससे ब्रह्म विद्या का रास्ता खुल जाएगा। महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, पढ़ते पढ़ते साधना का तरीका आ जाएगा। अंत में तुमको अनुभूति होगी कि यह जो संसार की पढ़ाई है नाशवान है, जो नाश होने वाला है वह नाश हो जाएगा। साधन करते करते अविद्या छूट जाएगी। प्रश्न, मां मुक्त होने के लिए क्या तरीका है? मां, तरीका परमार्थ चिंतन करना। प्रश्न,
यूनिवर्सिटी में पढ़ें भी और परमार्थ चिंतन भी करें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। माँ, तुम्हारा जितना अधिकार शक्ति है उतना करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ने के लिए क्या उपाय है इस पर विचार करो। प्रश्न, संसार में रहने से तो ये सब दोष ज्यादा बढ़ेंगे। माँ, जब तक संसार में हो वहां से ही पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न, मनोनाश का कोई सहज उपाय बताइए। माँ, पहला, माता पिता का आदेश पालन। दूसरा, संध्या वंदन नित्य कर्म करना। तीसरा, किसी के मन को दुख लगे ऐसी बात मत कहो। चौथा, अनीति मत करो। और पांचवा, अपने में चरित्र बल रखो। जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी स्त्रियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखते हैं, वैसे ही तुम भी स्त्रियों की तरफ मत देखो। ऐसी कोई बात ही ना करो जिससे अप्रीति बढ़े। सदाचार और नित्य नियम पालन करने से चरित्र बल अपने आप आ जाता है। परमार्थ चिंतन भी करो और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ो। संस्कृत पढ़ो, सदग्रंथों का पाठ करो। नित्य गीता पढ़ो और गीता में क्या लिखा है उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। प्रश्न, पति पत्नी को क्या अलग अलग गुरु करना चाहिए? इसमें तो झगड़ा होने का डर है। माँ, जो पति पत्नी एक गुरु के पास से दीक्षा लेकर साथ चल सकें तो अच्छा है। कभी शादी के पहले ही दीक्षा हो जाती है। पीछे अपने पति के आदर्श से जहां अनुकूल हो वहां से दीक्षा ले ले। रास्ता अलग रहे तब भी परम स्थान तो एक ही है। एक में अनंत और अनंत में एक है। माँ उपदेश दे रही हैं, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर फोड़ा चीर कर विषाक्त वस्तु निकाल बाहर कर रोग निरामय करते हैं, भगवान भी दुख देकर धो पोंछ कर गोद में खींच लेते हैं। भगवान समस्त दोष संशोधन कर देते हैं। कहते हैं, तुम अपनी समस्त मलिनता मुझे अर्पित कर दो, इसके बदले अमृत ग्रहण करो। इस तरह की दुकानदारी वे करते हैं। वे असली व्यापारी हैं। समय ना होने पर नहीं होता यह ठीक है, पर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। सभी मुहूर्त में वे प्रकट हो सकते हैं। पता नहीं कब किसका मुहूर्त आ जाए। भक्त को वे दर्द देकर दुख देते हैं अपने आग्रह और आकुलता को बढ़ाने के लिए। वे उसके दर्द की पूजा आंखों के आंसू ग्रहण करते हैं। निज निज कर्मानुसार भोग होता है, किसी का मानसिक भोग और किसी का शारीरिक भोग। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्मशय हो रहा है, भोगता चलूं, इलाज कराने की क्या जरूरत। यह ठीक नहीं है। सब परिमित होना चाहिए। चिकित्सा के द्वारा भोग परिमित होने का नियंत्रण है, अतएव उसे कराना चाहिए। मन को शुद्ध भोजन दो। उनकी ओर अधिक समय मन लगाने पर सभी में भगवत बुद्धि होने की आशा रहती है। चित्त दर्पण निर्मल होने पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए, शिष्य आनंदमयी मात की जय।